बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए एफआरडीआई बिल को कैबिनेट की मंजूरी, बैंकों को फेल होने से बचाने के लिए आम लोगों के बचत खाते से पैसा काटने का प्रावधान। केरल के कथित लव जिहाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, कोर्ट में आज हादिया पेश हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामलों में फांसी की मांग की, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर केंद्र को आईपीसी में बदलाव का सुझाव भेजा। विदेशी चंदे को छुपाने के आरोप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आम आदमी पार्टी को 30 करोड़ रुपए का नोटिस, आपने कहा हमारा चंदा पाक साफ। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की आखिरी लिस्ट जारी, दलित नेता जिग्नेश मेवाणी वडगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन का टिकट काटा। रफेल मामले में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री जब फ्रांस गए थे तो बिना किसी से पूछे रफेल डील को बदल दिया। बीएचयू में वीसी गिरीश चंद्र त्रिपाठी के विदाई समारोह के दौरान छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, लगाए वीसी गो बैक के नारे। भारत लौटी मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, परिवार के साथ सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन किए, मंगलवार को ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में हिस्सा लेंगी। और नागपुर टेस्ट टीम इंडिया ने जीता, श्रीलंका को पारी और 239 रन से हराया, मैच में 8 विकेट लेकर अश्विन ने सबसे तेज 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया।